बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन विल बी डूइंग फाइन। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन विद द इडियम्स। जी, वी हैव कंप्लीटेड ओवर 70 इडियम्स। अब बर्निंग क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। नाउ टुडे विल रिज्यूम फ्रॉम 71। Bury one's head in the sand. To ignore, ये 71 है, to bury one's head in the sand. To ignore a problem and hope that it will disappear. You should face the problem bravely instead of burying your head in the sand. अच्छा जी, bury क्या होता है? Bury होता है दफनाना या sink कर देना, अपना सर रेत में डाल देना। यानी इसका मतलब ये है कि मसले से आंखें चुरा लेना। अब देखिए ना, आपकी आंखें बंद कर लेने से मसला तो ख़त्म नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, बिल्ली को देख के कबूतर को आंखें बंद कर लेना, यानी कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से, अब बिल्ली तो खाएगी कबूतर को, कबूतर आंखें बंद कर लेगा, एंड इफ़ ही अज्यूम्स दैट कैट विल स्पेयर हिम, तो ये तो नहीं हो सकता ना, वो तो उसे खा जाएगी। इसका मतलब ये है कि मसले से नज़रें चुरा लेना। इसी तरह से किसी भी मसले को देख के उसका बहादुरी से सामना करना चाहिए, ना कि उसे देख के उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। नज़रअंदाज करने से मसला ख़त्म नहीं हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब ये, टू बरी द हैचेट, दुश्मनी भूल जाना, बी फ्रेंडली अगेन। टू एनिमीज बरीड देयर हैचेट एंड बिकेम फ्रेंड्स, दोनों ने अपनी दुश्मनी ख़त्म कर दी और दोबारा से दोस्त बन गए। अब बिजी बी समवन हु एंजॉयज बीइंग बिजी, मसरूफ़ शख्स जो हर वक्त मसरूफ़ रहे। असलम इज़ अ बिजी बी एज ही वर्क्स डे एंड नाइट। असलम एक मसरूफ़ आदमी है क्योंकि वह दिन रात काम करता है। By all means, हर तरह से, he assured me that he would help me by all means, उसने मुझे यकीन दिलाया कि वह हर तरीके से मेरी मदद करेगा। यानी जो भी ज़राए हैं, हर तरीका बुरे कार लाते हुए। By and by, जल्द ही, बिफोर लॉन्ग, सून, बाई एंड बाई का क्या मतलब है? जल्द ही, डार्क क्लाउड्स हैव गैदर्ड, इट विल रेन बाई एंड बाई, कि जल्द ही क्या होगा, बहुत गहरे बादल आ गए हैं, अब जल्दी बारिश होगी। बाई एंड लार्ज, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, बाई एंड बाई का मतलब है जल्दी और बाई एंड लार्ज का मतलब है मजमूई तौर पे। बाय एंड लार्ज आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, यानी छोटे मोटे मसले तो हैं लेकिन अगर ऑल टुगेदर देखें, मजमूई तौर पे देखें, तो मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। बाय डिंट ऑफ समथिंग के सबब स्लीम सक्सीडेड, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क स्लीम मेहनत के सबब कामयाब हो गया। बाय या फिर इन फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है बेकायदगी से, इरेगुलरली। यू कैनॉट पास द एग्जामिनेशन इफ़ यू वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अगर तुम बेकायदगी से काम करोगे तो इम्तिहान पास ना कर सकोगे। ठीक है, यानी अगर इम्तिहान पास करना है तो रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, इरेगुलरली करने से इम्तिहान पास नहीं होगा। A person who works by fits and starts can never be successful. जो शख्स बेकायदगी से काम करता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। By heart का मतलब है verbally, यानी ज़ुबानी। She has learned the poem by heart, उसने ज़ुबानी नज़्म याद कर ली है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। बाय इंचेस का मतलब है वेरी क्लोजली, इंतहाई करीब से। द कार मिस्ड अस बाय इंचेस, कार
मिस्ड अस यानी बाल बाल बचे हैं, बाय इंचिस, इंच कितने छोटे छोटे होते हैं इंचिस, ठीक है, यानी बहुत करीब से, बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब है हर अच्छे बुरे तरीके से, ही वॉन्ट्स टू पास द एग्जाम्स बाय हुक और बाय क्रुक, वो जैसे जैसे इम्तिहान पास करना चाहता है, बाय हुक का मतलब, और क्रुक यानी जायज़ या नाजायज़ जैसे भी। बाय और इन लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चुगनी, बहुत ज़्यादा। यामिन इज़ इम्प्रूविंग हिज इंग्लिश बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यामिन बहुत सूरत से अंग्रेज़ी की इस्तेदाद बढ़ा रहा है, यानी एक और सेंटेंस बहुत कॉमन है, पाकिस्तान इज़ डूइंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चुगनी, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। ये भी बहुत अक्सर स्टूडेंट्स ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, लीप्स एंड बाउंड्स यानी दिन दुगनी रात चुगनी। बाय इन वर्च्यू ऑफ समथिंग का मतलब है के ज़रिए से, ही पास एग्जामिनेशन बाय वर्च्यू ऑफ हार्ड वर्क, उसने सख्त मेहनत के लिए इम्तिहान पास कर लिया। बाय वे ऑफ या फिर इन द वे ऑफ समथिंग, दे एट आउट लास्ट नाइट बाय वे ऑफ अ चेंज, यानी एज अ काइंड ऑफ समथिंग, बाय वे ऑफ इन द वे ऑफ समथिंग के तौर पर, यानी उन्होंने बाय वे ऑफ अ चेंज, चेंज करने के बस जायका बदलने के लिए जो क्या किया, खाना बाहर खा लिया। बाय वर्ड ऑफ माउथ जुबानी, शी रिसीव द न्यूज़ बाय वर्ड ऑफ माउथ, उसे यह खबर जुबानी मिली। अच्छा, बी वाले हमारे ईडियम्स कंप्लीट हो गए हैं और अब हम सी वाले ईडियम स्टार्ट करते हैं। ईडियम्स हम कुछ ज़्यादा कर रहे हैं आज बिकॉज़ आपका एक सीक्वेंस लेसन की डिस्टर्ब हो जाती है जब एक दफ़ा कर रहे हो, तो इंशाल्लाह विल कंप्लीट द लेक्चर ऑफ हीरो इन वन गो। अब भी हम ईडियम्स ज़्यादा कर लेते हैं, एंड आफ्टर ईडियम्स विल स्विच ऑन टू आवर प्रिपोजिशन एज अवर प्रीवियस रूटीन। जी, काल स्पेड स्पेड, स्पीक प्लेनली और ब्लंडली, साफ साफ कहना, इज हार्ड टू कॉल स्पेड स्पेड बिफोर कूल मास्टर, यानी साफ खरी बात करना, साफ साफ बात करना बहुत मुश्किल होता है, साफ बात नहीं ना कर सकते, ख़ास तौर पर अगर क्रूअल मास्टर हो कोई सन के, अभी जो मर्जी बात उसको बुरी लग जाए, ठीक है, तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। कॉल और ब्रिंग समबडी समथिंग टू माइंड का मतलब है टू रिमेंबर समबडी और समथिंग, आई कुड नॉट कॉल हिज नेम टू माइंड, मैं उसका नाम जहन में ना ला सका। कॉल समथिंग इन टू क्वेश्चन, एक्सप्रेस डाउट अबाउट समथिंग, शक जाहिर करना, हिज ऑनेस्टी कैन नॉट बी कॉल्ड इन टू क्वेश्चन, उसकी दयानतदारी पर शक नहीं किया जा सकता। कॉल समबडी नेम्स, बुरे अलकाब देना या गाली देना, अब्यूज़ यूज़ इंसल्टिंग वर्ड्स, इट इज़ शेमफुल टू कॉल अदर्स नेम्स, दूसरों को गाली देना शर्मनाक बात है। कैपिटल पनिशमेंट, पनिशमेंट ऑफ डेथ, द कोर्ट हैज़ अनाउंस्ड कैपिटल पनिशमेंट फॉर हिम टू हैविंग फॉर हैविंग किल्ड अ गर्ल। अच्छा जी, इसमें कैपिटल पनिशमेंट का मतलब सज़ाए मौत होता है, जैसे आपको पता है कि मुख्तलिफ मुजरमों को मुख्तलिफ सज़ाएँ दी जाती हैं, तो इसमें कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होगा सज़ाए मौत। कैरी और विन द डे का मतलब है फतह याब होना, कैरी द डे का मतलब भी यही है, विन द डे का मतलब भी यही है। स्लिम कैरीड द डे इन लोकल लोकल इलेक्शन, यानी लोकल मुकामी इंतखाबात में कैरी द डे कामयाब हो गया। ठीक है जी, 90 हमारे एडियम्स हो गए हैं आज के लिए, इतने ही काफ़ी हैं, वी विल प्रोसीड फ्रॉम 91 इंशाल्लाह टुमारो। नाउ लेट्स हैव अवर प्रपोजिशंस, वी हैव कंप्लीटेड 6 एक्सरसाइजेस एंड आई होप कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। लेट्स डू दिस प्रपोजिशंस, कैच एट पकड़ना, क्लिंग टू, क्लिंग होता है चिमड़ना, क्लिंग टू, क्लिंग के साथ प्रीपोजिशन टू या ऑन टू यूज़ होती है, चिमटे रहना, कमेंट ऑन,
तबसरा करना, कंप्लाई विद मान लेना या हुक्म करना, कंसीट टू होता है, कंसीट टू समवन्स ओपिनियन, जैसे कि किसी की राय तस्लीम कर लेना, किसी का की बात मान लेना। नेक्स्ट देखें कन्फाइड टू, राज बताना। हाँ कॉन्फिडेंट भी इसी से होता है ना, कॉन्फिडेंट होता है हमराज, CONFIDENT। तो कन्फाइड होता है किसी को राज बताना। कन्फर्म टू, हम आहंग सोच रखना, कन्फर्मिटी होना, यानी किसी के साथ हम आहंगी होना, कन्फर्मिटी होता है। कन्फर्म टू, फॉर एग्जाम्पल, ये कन्फर्म्स टू द रूल्स ऑफ सोसाइटी, के वो माशरे के साथ हम आहंगी रखता है। कन्फर्म टू, ठीक है, द वैल्यूज़ ऑफ कल्चर और सोसाइटी जो भी है। कंसिस्ट, अच्छा ये मैंने इसको मार्क किया हुआ है इसलिए कि अभी कंसिस्ट इन और कंसिस्ट ऑफ में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कंसिस्ट इन का मतलब भी होता है मुबनी होना या मुश्तमिल होना, और कंसिस्ट ऑफ का मतलब भी। डिफरेंस क्या है, कंसिस्ट इन यूज़ होता है नाकाबिल शुमार इसके लिए, यानी जिसको आप काउंट नहीं कर सकते उसके लिए कंसिस्ट इन यूज़ होता है, लेकिन जो काउंटेबल नाउन है उसके लिए आप कंसिस्ट ऑफ यूज़ करेंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ आप गिन सकते हैं तो उसके साथ कंसिस्ट ऑफ लगाएंगे, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ आप हमेशा कंसिस्ट इन यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल अभी हम एक्सरसाइज में करेंगे। कंसल्ट विद, मशवरा करना। कंटेंड विद, किसी से मुकाबला करना। कोप विद, निबटना। काउंट ऑन, भरोसा करना। ठीक है। चैलेंज टू, ललकारना। कोइंसाइड विद, हम आहंग होना। ठीक है। कम्युनिकेट विद, राबता करना। कंसील फ्रॉम, छुपाना। ठीक है। एक बात याद रखें, जब किसी से कोई चीज़ करनी हो, छुपानी हो या कुछ, तो फ्रॉम यूज़ होता है। ठीक है। और ये असल में दूरी या सेपरेशन को जाहिर करता है, फ्रॉम का वर्ड। और अगर किसी की तरफ अटैचमेंट शो हो रही हो तो फिर टू या कोई और प्रपोजिशन लगती है, लेकिन जब दूरी जाहिर करनी हो, डिस्टेंस जाहिर करना हो, कंसील का मतलब ही छुपाना होता है, तो फिर फ्रॉम होगा आएगा। कन्फर ऑन या कन्फर अपॉन होता है अता करना, जैसे किसी को कोई टाइटल देना, कोई नाम अता करना। ये भी अभी हम एग्जांपल एक्सरसाइज में करेंगे। नेक्स्ट इज़ कन्फर्म टू या कन्फर्म विद। अच्छा ये अभी हमने पढ़ा कन्फर्म टू, यहाँ भी हमने पढ़ा हम आंग सोच रखना, या कन्फर्म टू या कन्फर्म विद भी हो सकता है। ठीक है। कवानीन वगैरह की तामील करना। कंसेंट होता है रजामंदी, कंसेंट टू रजामंदी जाहिर करना। कंसिस्ट ऑफ अभी हमने पढ़ लिया है, कंसिस्ट इन या कंसिस्ट ऑफ आगे पढ़ते हैं। कंटेंड फॉर, किसी चीज़ के लिए मुकाबला करना। अच्छा ये भी मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंटेंड। कंटेंड फॉर, किसी चीज़ के लिए मुकाबला करना। ठीक है। और इधर हमने पढ़ा कंटेंट विद, किसी से मुकाबला करना। ठीक है। कंटेंट फॉर, फॉर एग्जांपल, कंटेंडिंग फॉर द टाइटल, किसी यानी टाइटल के लिए मुकाबला करना या किसी ऐसी चीज़ के लिए, लेकिन कंटेंट विद का मतलब है उसका कंपेटिटर है। ठीक है। कंटेंडिंग विद द अदर ग्रुप और द पार्टी, ठीक है, किसी से मुकाबला करना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर एक्सरसाइज नंबर 7। अच्छा इसमें एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, वो ये कि जब मैं आपको एक्सरसाइज कराती हूँ, मैं तो आपको मार्क करवा देती हूँ इसमें प्रपोजिशंस जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें आपने लगानी होती हैं, बट इट इज़ बेटर कि आप उन इस एक्सरसाइज को ख़ुद सॉल्व किया करें पहले लेक्चर, या जहाँ तक आपने ये प्रपोजिशंस मैंने आपको करा दी विद मीनिंग्स, ये जैसे कि गिवन है एक्सरसाइज से पहले, इसके बाद ख़ुद करने की कोशिश किया करें। एक दफ़ा ख़ुद सॉल्व करके देखा करें एक्सरसाइज,
कि आपकी क्या गलतियाँ हैं। उसके बाद अगर आप लेक्चर बाकी सुनेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कहाँ कहाँ पे आपकी गलतियाँ हैं। बाद में आप मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी वो ये है कि एक्सरसाइज में सारी प्रपोजिशंस नहीं दी होती, लाइक सारे वर्ड्स की प्रपोजिशंस। तो जितने वर्ड्स हमने ये पढ़े हैं, अगर आप इनके सेंटेंसेस बना लें तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेंगी, हमेशा याद रहेंगी प्रपोजिशन। सो इट इज़ द बेस्ट वे टू मेमोराइज प्रपोजिशन। ऐसी चीज़ है जो आपको प्रैक्टिस से लिखने से ही आती है। ग्रामर का जितना भी पोर्शन है इट नीड्स प्रैक्टिस। जितनी आपकी रिटन प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपकी प्रोफिशिएंसी होगी। ये कोई टेक्स्ट या क्वेश्चन तो है नहीं जो आप याद कर लेंगे एंड दैट्स इट। इसकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी होती है आपके ग्रामर के लिए, और वो आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होंगे जब आप सेल्फ राइटिंग करेंगे, ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे, खुद लिखेंगे, चीज़ों को यूज़ करेंगे, जितने भी जो भी ग्रामर के रूल्स पढ़ते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार लिखने का कहती हूँ। पहले भी हमने जिस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच की, हमने पूरे स्टार्ट एंड तक हम बुक फॉलो की, सारे हमने ग्रामर के रूल्स देखे, उसके बाद अब हम प्रपोजिशंस कर रहे हैं। तो इट इज़ द बेस्ट वे कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और प्रैक्टिस करें। ओनली देन यू विल बी एबल टू ऑप द राइट ऑप्शंस, ओनली देन यू विल बी एबल टू बी प्रोफिशिएंट इन द यूजेज ऑफ योर ग्रामर, ठीक है जी। अच्छा जी, अ ड्रॉनिंग मैन कैचिस एट अ स्ट्रॉ। वैसे तो ये बहुत मशहूर है, कैची ये के डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे हमारा फोकस जो है कैचिस एट, ठीक है, पकड़ना। हमने फर्स्ट पे ही पढ़ा था कैचिस एट पकड़ना। शी स्टिल क्लिंग्स टू, हमने पढ़ा क्लिंग्स टू द ओल्ड कस्टम्स, बाकी सारी ऑप्शंस गलत हैं। द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट कॉन्फर्ट डैश मोहम्मद अली जिना द टाइटल ऑफ कायदे आजम, बरसीर के लोगों ने टाइट कॉन्फर्ड, हमने पढ़ा कि कॉन्फर के साथ क्या होता है, ऑन या अपॉन। तो यहाँ पे इन भी नहीं हो सकता है, टू भी नहीं, विद भी नहीं, अपॉन आएगा। द क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 बॉयज़। अब बताएं यहाँ पे कंसिस्ट इन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये देखे ना यहाँ पे हमने कंसिस्ट इन भी तो एक पढ़ा था, क्यों नहीं आया, क्योंकि 40 जो है काउंटेबल है, हम बॉयज़ काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 काउंटिंग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ आएगा। आगे देखें, शी गेव हर कॉन्सेंट डैश मी टू ज्वाइन अस सून, उसने अपनी रजामंदी दी कॉन्सेंट के साथ। देखें कि कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होती है, कॉन्सेंट टू, बिल्कुल टू यूज़ होगी। शी गेव हर कॉन्सेंट टू मी टू ज्वाइन अस सून, विद नहीं है, फॉर भी नहीं है, ऑन भी नहीं है, कॉन्सेंट टू मी, ठीक है। सक्सेस कॉन्सिस्ट इन हार्ड वर्क, अब यहाँ पे इन आएगा, क्योंकि आप कामयाबी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। आई कैन नॉट कंप्लाई द ओल्ड कस्टम्स, आई कैन नॉट कंप्लाई विद, कि मेरी कोई जो है पुराने रिवाज के साथ कंप्लाइंस नहीं है, कंप्लाई के साथ बिदत है, मैं यानी पुरानी रवायात को नहीं मानता नहीं हूँ, उससे आहंग नहीं हूँ। स्लिम कैन नॉट कन्फर्म डैश दी ओल्ड कस्टम्स, कन्फर्म टू यहाँ पे इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है। शी वॉज एफिशिएंट इनफ टू कोप विद होता है मुश्किल से निबटना, कोप विद, याद रखना आपने, ये अक्सर यूज़ होता है सेंटेंसेस में, इट्स अ वेरी कॉमन, जी कॉमनली यूज प्रपोजिशन जी। आई कंसील्ड हिज सीक्रेट्स फ्रॉम एवरीबडी, हर किसी से छुपाता है, अगर हर किसी को बताता होता तो फिर फ्रॉम नहीं आना था, फिर टू आना था। अच्छा जी, कंसील के साथ फ्रॉम आएगा। द डॉक्टर्स क्योर्ड मी ऑफ मलेरिया, मलेरिया का इलाज किया, क्योर ऑफ होता है किसी बीमारी का इलाज करना, क्योर ऑफ। आई एम कन्विंस्ड डैश स्लिम्स करेज, कन्विंस्ड ऑफ होता है मुझे उसके
उसकी बहादुरी का मैं कायल हो गया। रबिया ट्राई टू कम्युनिकेट विद, रब्ता करना, बातचीत करना। द टू बॉयज कॉन्टेंट डैश द फर्स्ट प्राइज, कॉन्टेंट फॉर द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, अभी हमने कंटेंट के भी पढ़े कि कंटेंट फॉर होता है किसी चीज़ के लिए मुकाबला करना, और कंटेंट विद होता है किसी से मुकाबला करना। अब ये है, दोनों ने फर्स्ट प्राइज के लिए मुकाबला किया, इसलिए कंटेंट फॉर होगा। ठीक है, नॉलेज विदाउट कॉमन सेंस काउंट्स डैश लिटल, काउंट्स फॉर लिटल, कि वो बहुत कम, अगर कॉमन सेंस ना हो तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। काउंट, अच्छा काउंट फॉर आएगा, काउंट ऑफ इसलिए नहीं आएगा कि काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। अगर होता है आई कैन नॉट काउंट डैश योर इन्फॉर्मेशन, तो यानी मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पे या मैं तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं कर सकती, तो काउंट ऑन होना था। लेकिन यहाँ पे इससे मुराद क्या है, अहम होना, तो ये काउंट फॉर आएगा। नॉलेज विदाउट कॉमन सेंस काउंट्स फॉर लिटल। अच्छा जी, आज के लिए बस इतनी प्रिपोजिशंस इनफ है। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट फ्रॉम डी टुमारो। ये वाली प्रिपोजिशंस अच्छी तरीके से मेमोराइज भी कर लें और प्रैक्टिस भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।